बिजनौर के स्योहारा में ज्ञानदीप हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर छोटे बच्चों ने कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के छात्रों ने प्रोग्रेस बिस्किट रेस, बैग रेस आदि मनोरंजक दौड़ में प्रतिभाग किया। वहीं कक्षा आठ कक्षा बारह तक के छात्रों ने क्रॉस कंट्री, रिले रेस, 100 मीटर, 200 मीटर और 500 मीटर की दौड़ रिंग रेस में प्रतिभाग किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को अतिथियों द्वारा मेडल पहनाकर अब सर्टिफिकेट देकर छात्रों का उत्साह वर्धन किया गया। इस मौके प्रबंधक डॉक्टर जेपी शर्मा, उप प्रबंधिका डॉक्टर मीना शर्मा, स्कूल डायरेक्टर डॉक्टर दिव्यांग शर्मा, प्रधानाचार्य कुसुम शर्मा, परमजीत कौर, ठाकुर सिंह एड, जावेद शम्स, प्रतिपाल सिंह, चिराग जैन, विजय कौशिक सहित स्कूल स्टाफ और गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर वरिष्ठ क्रिकेटर जावेद शम्स ने कहा, खेलों से बच्चों का शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। आज के दौर में जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, वह चिंता का विषय है। बच्चों के साथ खेलकूद की एक्टिविटी करने से जहां बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो वही पेरेंट्स भी स्वस्थ रहेंगे। प्रबंधक जेपी शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा, खेलकूद से शारीरिक को मानसिक विकास होता है, इसीलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित करें ताकि वह स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क के मालिक भी रहे। जब स्वस्थ शरीर होगा तो बच्चा पढ़ाई में भी ध्यान देगा। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज स्पोर्ट्स डे था, इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है और ये सभी कॉलेजेस के अंदर जो है रेगुलरली इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि खेल से आदमी की मेंटल और फिजिकल दोनों जो है एक्टिविटीज होती हैं और ये विकास होता है इसका। टेंशन बहुत कम, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये युग है जो चल रहा है आज का दौर, इसमें मैं सारे गार्जियंस को ये एडवाइस करूंगा कि वो अपने बच्चों को इस मोबाइल प्रवृत्ति से हटाकर स्पोर्ट्स में लगाएं, उनके मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होंगे। और इसके अलावा साथ साथ ये भी है कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो प्रोफेशनल हैं और जिसके अंदर बहुत मोटा पैसा है। अब आप कल ऑक्शन हुआ आईपीएल का, उसमें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर 24.75 करोड़ रुपए में बिका है एक सीजन के लिए। तो अगर कोई इंडस्ट्री ना लगा के अपने बच्चों को कोचिंग करा दे और उसका बच्चा जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाए तो उससे देश का भी नाम रोशन होता है, उस बस्ती का भी, उस परिवार का भी। तो इसलिए जो है स्पोर्ट्स के प्रति जो है सजग रहें और अपने बच्चों को इस तरफ जो है खास तौर से लगाएं। और यही जो है पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट्स चले गए बच्चों द्वारा क्या कहेंगे? आज हम ज्ञानदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं और स्पोर्ट्स के बारे में सबसे जरूरी है, वो कहते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी बनाने के लिए गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में गेम्स से स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ भी सुधरती है और मेंटल हेल्थ भी सुधरती है। और इसके सुधरने से क्या होता है कि बच्चा आगे तरक्की करता है, उसको थोड़ा सा मानसिक तनाव भी कम होता है। आज की जो प्रवृत्ति है कि जो इंडोर एक्टिविटी बच्चे ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल देखते रहते हैं और उस पर ही 2-3 घंटे 4 घंटे करते हैं, उससे आँखों को भी लॉस होता है और फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं होती तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इसलिए मेरा यही है कि सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि मोबाइल यूजफुल है मगर उसे या तो पढ़ाई के लिए यूज करें या कभी कभी कोई खास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करें, हर वक्त उसमें ना लगे। आउटडोर एक्टिविटी जरूर करें, घूमने जाएं रोज सवेरे को 2-3 किलोमीटर और कोई भी अपनी पसंद का गेम खेलें, जिससे कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा।